बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल सेफ एंड साउंड इन योर होम्स। डियर स्टूडेंट्स, वी हैव डन एक्सरसाइज 2.1 इन अवर लास्ट लेक्चर। टुडे वी विल डू एक्सरसाइज 2.2। काइंडली स्टूडेंट्स, ओपन योर नोटबुक्स, पेज नंबर 21, एक्सरसाइज 2.2। फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय डिवीजन मेथड। पिछली एक्सरसाइज में हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए मालूम किया था, आज हम डिवीजन मेथड के जरिए मालूम करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें मार्जिन लाइन ड्रॉ करनी है। कम से कम 6 पेजेस जो हैं वो मार्जिन लाइन के आप तैयार कर रहे हैं, एटलीस्ट 6 पेजेस। और साइड पे रफ वर्क के लिए भी लाइन लगा दिया करें, ताकि अगर कोई रफ वर्क करना पड़े तो हम सामने ही कर सकें। ऊपर हम लगाएंगे टॉपिक लाइन, मेंशन योर एक्सरसाइज एयर, एक्सरसाइज 2.2, फाइंड HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1, 12, 21 एंड 41। सबसे पहले हम 12 और 21 को डिवाइड कर लेते हैं। 12 वन ज़ा 12 करके 12 टू ज़ा जो है 24 होता है। 12 वन ज़ा 12 में 21 में से 12 माइनस किए 9 आ गया, उसके बाद ये 12 को उठा के अंदर ले आएंगे। 9 टू ज़र 18 बड़ा होता है, 9 वन ज़र 9 करेंगे, 12 में से 9 माइनस करें 3 आ जाएगा। अब इस 3 9 को उठा के अंदर ले आएंगे, 3 3 ज़र 9, ये कंप्लीट हो गया बच्चों। ये देखिए, ये कंप्लीट हो गया। 12 वन ज़र 12, 21 में से 12 माइनस किए 9 आ गया, अब ये 12 को उठा के अंदर ले आएंगे। 9 वन ज़र 9, 12 में से 9 माइनस के 3 आ गया, अब इस 9 को उठा के अंदर लेंगे, 3 3 9, ये कंप्लीट हो गया। ये हमने 12 को और 21 को किया था, 41 रह गया, 45 रह गया। अब इस 45 को हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं। डिवाइड इस 3 से करना है, जो लास्ट पे आएगा उसी से करना है। 3 वन ज़ा 3, 4 में से 3 माइनस के 1, 5 नीचे उतारा 15, 3 5 ज़ा 15। क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी, इसका आंसर है कि हमारे पास ये जो जिससे हमने लास्ट पे डिवाइड करना है ना, ये हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 3। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, 24, 48 एंड 120। पहले हम 24 और 48 को लेंगे, 48 और 24। 24 टू ज़ार 24 टू ज़ार 48 होता है, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हम इसी 24 से 120 को करेंगे, ट्वेंटी फोर फाइव ज़ार 120, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 24। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, 15, 25 एंड 125। पहले हम 15 और 25 को करेंगे, 15 वन ज़ार 15, 5 में से 5 माइनस किए 0, 1 आ गया 10, 15 को अंदर ले गए उठा के, 10 वन ज़ार 10, 5 आ गया, 10 को अंदर ले गए उठा के, 5 टू ज़ार 10, ये डिवाइड हो गया कम्प्लीटली। अब 125 रह गया, इसको इस 5 से डिवाइड करेंगे, 125, 5 टू ज़ा 10, 2 नीचे आ गया और 5 नीचे उतारा, 5 5 ज़ा 25, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 5। देखें बच्चों, ये देखें, 15 और 25 को पहले डिवाइड किया, 15 वन ज़ा 15, 10 आया, ये 15 अंदर ले आए, 15 10 वन ज़ा 10, 15 में से 10 माइनस की 5 आ गई, ये 10 अंदर ले आया, 5 टू ज़ा 10, अब ये 125 रह गया था। यहाँ जो लास्ट पे होता है ना, उसी से डिवाइड करना होता है, फिर 5 से किया, 5 टू ज़ा 10,
टू नीचे आया, फाइव नीचे आया, फाइव फाइव ज़ार 25, ये कंप्लीट हो गया और ये फाइव जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। क्वेश्चन नंबर फोर, 36, 72, 160। सबसे पहले हम 36 और 72 को करेंगे। अब 36 का 36 टू ज़ार 72 होता है, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब हम इसी 36 से 160 को करेंगे। थर्टी सिक्स फोर ज़ार 144, 160 में से माइनस किया 144 को, हमारे पास आया 16। 36 को अंदर ले गए, 16 टू ज़ार 32, 6 में से 2 माइनस किए 4, अब ये 16 अंदर ले आए, 4 4 ज़ार 16, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 4, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 4। ठीक है बच्चों, ज़रा गौर से देख लें। क्वेश्चन नंबर 5, 42, 98 एंड 140। सबसे पहले 98 और 42 को डिवाइड करेंगे। 42 ज़ार 84, 8 में से 4 माइनस किए 4, 9 में से 1 माइनस किए 14, 42 को अंदर ले आए, 14 2 ज़ार 28, 14 3 ज़ार 42, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब इस 14 के साथ हम ये 140 को करेंगे। 14 10 ज़ार 140 होता है, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। इसका मतलब हुआ हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 14। ठीक है बच्चों, डू यू अंडरस्टैंड? गौर से देख लें क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, 45, 81, 270। सबसे पहले हम 81 और 45 को करेंगे। 45 2 ज़ार 90 होता है, वो बड़ा हो जाएगा, 45 1 ज़ार 45 करेंगे। 81 में से हम माइनस करेंगे 45 को, हमारे पास आएगा 36 और 45 को हम अंदर ले आए, 36 2 ज़ार 72 बड़ा होता है, तो 36 1 ज़ार 36 करेंगे। 45 में से हमने माइनस करना है 36 को, हमारे पास आएगा 9 और 36 को अंदर ले आए, 9 4 ज़ार 36, ये कम्प्लीटली डिवाइड होगा। अब हम इस 9 के साथ 270 को करेंगे। 9 3 ज़ार 27, 0 ऊपर चला गया, ये आपका कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 9, ये वाला 9। क्वेश्चन को ज़रा गौर से देख लें। क्वेश्चन नंबर 7, 48, 132, 372। पहले हम 48 और 132 को करेंगे। 48 3 ज़ार 144 बड़ा होता है, तो 48 2 ज़ार हम करेंगे 96। 132 में से बच्चों 96 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 36, हम 48 को अंदर उठा के ले जाएंगे। 36 1 ज़ार 36 करेंगे, 8 में से 6 माइनस किए 2, 4 में से 1 माइनस किए 12, 36 अंदर आ गया, 12 3 ज़ार 36, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब इसी 12 के साथ 372 करेंगे। 372 12 3 ज़ार 36, 7 में से 1 माइनस किए 2 नीचे आए 12 12 1 ज़ार 12, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया? 12। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 12। गौर से देख लें क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 8, 28, 70 और 294। अब 28 टू ज़ार होता है 56, 3 ज़ार 84 बड़ा हो गया, तो 28 2 ज़ार 56 करेंगे हम। 70
70 में से हमने माइनस करना है 56 को, हमारे पास आएगा 14। 28 को अंदर ले आए, 14 टू ज़ार 28 होता है, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब इसी 14 के साथ 294 को करेंगे डिवाइड, 14 टू ज़ार 28, 9 में से 1 माइनस किए, 8 माइनस किए 1 और नीचे आया 4, 14, 14 वन ज़ार 14, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 14, क्या आया जी 14, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 14। ज़रा गौर से क्वेश्चन को देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, 96, 320। सबसे पहले हम 32 और 96 को करेंगे, 32 2 ज़ार 64, 33 ज़ार 96, 2 ज़ार 64 आएगा। 92 में से जब हम माइनस करेंगे 64 को, हमारे पास आएगा 28। 32 को हम अंदर ले गए, 28 वन ज़ार 28, 32 में से 28 माइनस किए तो हमारे पास आया 4, 28 को अंदर ले गए, 4 7 ज़ार 28, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब इसी 4 के साथ ये 320 डिवाइड करेंगे, 4 8 ज़ार 32, 0 ऊपर चला गया, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया 4, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 4। क्वेश्चन नंबर 10, 24 132 और 264। सबसे पहले हम 24 को और 132 को करेंगे, 24 2 ज़ार 48, 3 ज़ार 72, 4 ज़ार 96, 5 ज़ार 120, 6 ज़ार 144 बड़ा आ गया, 5 ज़ार 120 कर देंगे। 2 में से 0 माइनस किए 2, 3 में से 2 माइनस किए 1, 12 24 अंदर आ गया, 12 2 ज़ार 24, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब इसी 12 के साथ हम 264 करेंगे, 12 2 ज़ार 24, 6 में से 4 निकले 2, 12 2 ज़ार 24, ये भी कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आया 12, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज़ 12। गौर से देख लें बच्चों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, पहले हम 48 को करेंगे 112 के साथ, 48 2 ज़ार 96, 3 ज़ार 144 बड़ा आ गया, 2 ज़ार 96 करेंगे। 112 में से हमने 96 माइनस किया, हमारे पास आया 16, 48 अंदर ले आए, 16 2 ज़ार 32, 48 में से 32 माइनस किए, 8 में से 2 माइनस किए, 6 और 1 16 16 अंदर ले आए, 16 1 ज़ार 16, ये कम्प्लीटली डिवाइड देखो बच्चों हो गया। अब इसी 16 को हम 272 के साथ डिवाइड करेंगे, 272 16 2 ज़ार 32 बड़ा हो जाएगा, 16 1 ज़ार 16 करेंगे, 27 में से हम माइनस 16 करेंगे, हमारे पास आएगा 11 और ये 2। सिक्सटीन 7 ज़ार 112 होता है, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 16, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 16। गौर से देख लें क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 एंड लास्ट क्वेश्चन 56 140 एंड 308। 56 को डिवाइड किया 140 के साथ, 56 2 ज़ार 56 2 ज़ार 112 और 2 ज़ार 112। अब 140 में से हमने माइनस किया 140 में से हमने माइनस किया 112 को, हमारे पास आया 28। 56 को अंदर ले आए, 28 का अगर हम टेबल पढ़ते हैं 2 ज़ार 56 होता है, 28 2 ज़ार 56 होता है, ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। अब आगे हम ये वाले 308 के साथ 28 को फिर करेंगे, 28 1 ज़ार 28,
30 में से 28 निकले, 2 आया, ऊपर से फिर 28 आ गया, 28 वन ज़ा 28, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 28, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया 28। जी डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 2.2 जो है वो हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, मुकम्मल हो गई है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका होमवर्क ये है कि आपने ये पूरी एक्सरसाइज नीट कॉपी पे लिखनी है, उसके बाद इसको ज़ुबानी एक्स्ट्रा रफ कॉपी के ऊपर आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह इम्तिहानात में आपको किसी किस्म की मुश्किल पेश नहीं आएगी अगर आप ऑनलाइन क्लासेस में करवाए गए काम को साथ साथ याद करें और दिए गए सिलेबस को अच्छे तरीके से तैयार कर लें। तो बच्चों, अपनी तैयारी जो है वो आप साथ साथ रखें, और जो होमवर्क आपको मिला है ये होमवर्क आपने नीटली करना है, और रफ कॉपी के ऊपर इसकी प्रैक्टिस लाजमी करनी है, अदरवाइज आपको इसकी समझ बिल्कुल नहीं आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह आपके स्कूल जल्दी खुलने वाले हैं, आपसे जल्द मुलाकात होगी, और अगले लेक्चर में आपके पास मैं 2.3 लेकर फिर आऊँगी। तब तक अपने घरों में रहें। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ। अल्लाह हाफिज़।